हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कि हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी इन 2025। आप 2025 में मर्चेंट नेवी को कैसे ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या ज्वाइनिंग प्रोसेस रहता है, सैलरी कितना मिलता है, करियर स्कोप क्या है, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर बहुत ही कम समय में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं कि मर्चेंट नेवी को ज्वाइन कैसे करेंगे। तो देखिए, मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करने के लिए आपको कोर्सेज करने पड़ते हैं, डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, उनकी अलग अलग फीस होती है, उनकी अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीपी रेटिंग, सीसीएमसी और ओपन सीडीसी। ये जो तीन कोर्स है ये आपके क्रू लाइन के लिए कोर्स है, एज ए क्रू आप ज्वाइन करते हैं। अगर आप ऑफिसर लेवल पे ज्वाइन करना चाहते हैं उनके अलग कोर्सेज हैं, जैसे आपका ETO हो गया, TME हो गया और आपका BTEC मरीन इंजीनियरिंग हो गया, DNS हो गया, BSc नॉटिकल साइंस हो गया। उन कोर्सेज के बारे में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, एज ए क्रू बात करेंगे, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में मेरे को जानकारी है उसी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जीपी रेटिंग को ज्वाइन करने के लिए सबसे बड़ी गलती यहाँ पे क्या होती है, फ्रॉड कहाँ से होता है कि आप लोग गूगल पे एड देख लेते हैं या यूट्यूब या फेसबुक इंस्टाग्राम पे पेज देख लेते हैं, वहाँ पे मर्चेंट नेवी का फोटो लगा के रखा है, बड़ा बड़ा जहाज़ दिखाया है, सैलरी दिखाया है बड़ा बड़ा, और वहाँ पे आप फॉर्म अप्लाई कर देते हैं या वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के आप अप्लाई करने के लिए या कॉल करने के लिए, जानकारी के लिए या कैसे भी कॉल करते हैं और एक इंटरव्यू देते हैं या नॉर्मल ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, वहीं से आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। वो सभी जो पेज हैं वो फ्रॉड होते हैं और वो लोग कुछ नहीं करते हैं, आपसे पैसा लेते हैं, ओपन सीडीसी कराते हैं, प्लेसमेंट भी नहीं देते हैं। तो वही वहाँ पे आपको बचना है, वो काम नहीं करना। अगर आप वहाँ फंस गए तो आप फंस जाओगे। मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करने के लिए प्रॉपर DG अप्रूव्ड कॉलेज से आपको कोर्स करना है, जो कि आपका जीपी रेटिंग का फीस अप्रॉक्स 2 लाख रुपीज़ रहता है, सीसीएमसी का अप्रॉक्स 2 लाख रुपीज़ रहता है, 6 मंथ का कोर्स रहता है, और ओपन सीडीसी निकालोगे तो आपका 30,000 में हो जाएगा। इसका प्लेसमेंट के लिए आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहती है, आपका एज है वो 17.5 से लेकर 25 ईयर्स तक होना चाहिए और आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और आपका मार्कशीट 10th में 40% मार्क्स होना चाहिए और इंग्लिश भी होना चाहिए जिसमें आपका 40% होना चाहिए। बेसिक यही आपका एलिजिबिलिटी है। इसके बाद सैलरी की बात कर लेते हैं। अगर आप जीपी रेटिंग कोर्स करके एज ए फ्रेशर इंडिया में सेल करते हैं तो आपका सैलरी 10,000 से लेकर 12,000-15,000 तक रहता है, और जैसे आपका वॉचकीपिंग आ जाता है तो इंडिया में आपको सैलरी 20,000 से 30,000 तक मिल जाता है। और अगर आप यही जीपी रेटिंग कोर्स करके फॉरेन गोइंग यानी कि FG बेसल पे जाते हैं, कोई अच्छा कंपनी में जाते हैं, तो आपको स्टार्टिंग सैलरी $300 से $400 मिल जाता है, यानी कि इंडियन रुपीज में 30,000 से 35,000 तक मिल जाता है। और जैसे आपका एक्सपीरियंस होता है तो आपको 60,000-70,000 और आपने 3 या 4 कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपीरियंस बना लिया तो आपको FG बेसल में 1 लाख या 1 लाख से भी ज़्यादा सैलरी पर मंथ आपको मिल जाता है। तो ये सैलरी है। आप करियर स्कोप की बात कर लेते हैं तो करियर का ऐसा, देखिए ए लाइन में अच्छा करियर है लेकिन अभी दिन पे दिन इसमें फ्रॉड ज़्यादा हो रहा है और बहुत सारे लड़के लोग ज़्यादा ज्वाइन कर रहे हैं। तो क्या है ना कि मार्केट का वैल्यू है वो थोड़ा डाउन हो गया है और कैंडिडेट ज़्यादा होने के कारण जॉब भी कम रह गया है। तो अगर आपको ज्वाइन करना ही है तो टाइम वेस्ट मत करो, पटाख से आके ज्वाइन करो और ऐसी जगह से कोर्स करो। देखिए, आपको DG अप्रूव्ड कॉलेज से तो कोर्स करना ही है, प्लेसमेंट के लिए पहले से ही समझ लो कि प्लेसमेंट मेरे को कैसे मिलेगा। अभी द ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट का फॉर्म चल रहा है, आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे अप्रॉक्स आपका 5 लाख रुपये फीस रहेगा जीपी रेटिंग का, वहाँ पे आपको प्लेसमेंट 100% मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छा कॉलेज है, वहाँ पे 100% प्लेसमेंट मिल सकता है। अगर आप इंटरव्यू क्लियर करेंगे तो वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। तो देखिए, मैंने सिंपल सी आपको सारी बातें बताई, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं किया। आप कहीं भी कोर्स करने के लिए जा रहे हो, प्लेसमेंट के लिए अच्छे से बात कर लो, नहीं तो आपको बाद में किसी एजेंट या ऑफिस का सारा लेना पड़ेगा, प्लेसमेंट तो हो जाएगा और वहीं पर आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, बाकी आपको कुछ डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछो, हम आपको प्रॉपर रिप्लाई करेंगे। नहीं तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप नंबर रहेगा, आप हमें वहाँ भी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए, बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। लव यू ऑल, थैंक यू।